आज हमारे साथ हैं ऐसे एक्टर जो फीचर फिल्मों में काफ़ी लंबी जर्नी के बाद अब वेब सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शर्मन जोशी की, जो एक वेब सीरीज़ के साथ हमारे सामने आने वाले हैं। शर्मन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बारिश वेब सीरीज़ के लिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितने आप एक्साइटेड? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश एक सिंपल लव स्टोरी है दो ऐसे कपल के बीच में जो प्यार में विश्वास रखते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ उनका परिवार उनके लिए बहुत ही मतलब उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले आपके जाने अनजाने में कुछ ऐसी मतलब चैलेंजेस पोज कर देते हैं शायद आपके प्यार के रिलेशनशिप को, कि आप मुश्किल हो जाता है आपको सही फैसला लेने में। तो कैसे वो अपने प्यार को इस प्यार को बचा कर रखते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को बचा कर रखते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं, उस किस्म की कुछ कहानी बारिश के ज़रिए आपको देखने को मिलेगी। बात करो ये फीचर फिल्म की, क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है एज ए एक्टर, क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है जब आप वेब सीरीज कोई करते हैं तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जो वेब में एडवांटेज ये है कि आपको कहानी जो शायद एक 400 मिनट की कहानी ऐसी है कि उसका नेचर ऐसा है कि उसको विस्तार में बताने में ही उस कहानी में मज़ा आएगा, तो वेब आपको वो स्पेस अलाउ करती है। पिक्चरें ज़्यादातर 120 मिनट में आपको कहानी बतानी होती है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हो टू द वेरी कोर ऑफ द फिल्म और इफ़ेक्टिवली आपके जो सीन्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइंस को लेकर के बहुत मिनिमल होते हैं। इकोनॉमिकली लाइंस यूज़ की जाती है बिकॉज आपको पिक्चर की लेंथ का ध्यान रखना होता है, लेकिन चूंकि वेब शोज़ ऐसे होते हैं जहाँ कहानियाँ आप ऐसी बताते हो जिनमें आपको वक्त लगता है लोगों को उसके पूरे सारे जो मेन किरदार हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में, उनके रिलेशनशिप्स, उनके आपस के रिलेशनशिप्स। शर्मन, अगर बात करूँ बारिश की, तो बारिश हमेशा से एक इमोशन लेके आती है, एक प्यार लेके आती है, एक यादें लेके आती है। आपके कुछ यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई? पिताजी मेरे जैसे पहली बारिश होती थी वो चिल्ला के बोलते थे सब लोग गाड़ी में बैठो, हम लोग लोनावला चलेंगे। और पहली बारिश की पहली ड्राइव पिताजी के साथ, पिताजी फीएट चलाते थे, हम सारे बैठ जाते थे और ऑन द वे खापोली में वड़ा पाव खाते हुए फाइनली लोनावला पहुँचते थे। उन दिनों एक्सप्रेस वे नहीं था तो 5-6 घंटे जो भी लगता था पहुँचने में, और फिर वहाँ पे खाना खा करके जो भी है वी यूज़ टू हेड बैक टू बॉम्बे। सो दिस इज़ माय इमीडिएट मेमोरी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरा मैन मिंटू सिंह के साथ उमेश शुक्ला, E24 मुंबई।